हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से जो लोग पहले से चैनल देखते आए हैं उनको शायद आइडिया होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बुक बनाई थी जब मैंने एमबीए एग्जाम्स की तैयारी की थी। ये बेसिकली एक ऐसी बुक थी जिसमें जो भी चैप्टर्स मैथ के मैं पढ़ती थी एग्जाम के लिए उसके फॉर्मूलाज, उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ ट्रिक्स मैंने उसमें नोट की थी। आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। ये नोट्स मैंने एक बुक के फॉर्मेट में फाइनली पब्लिश कर दिए हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट फाइनली देयर इज अ बुक आउट देयर व्हिच इज कॉल्ड Formulae and Tricks for Quantitative Ability, and this book is helpful for all the competitive exams जिसमें भी quant या math का subject है। This has been published by Oswal Books, so I'm very grateful to them कि उन्होंने ये opportunity दी। इस video में मैं आपके साथ ये share करना चाहती हूँ कि इस book का क्या format है, क्या features हैं, इसको आप कैसे use कर सकते हो किसी भी exam की revision के लिए, and at the end of the video I will also share about the giveaway जो हम कर रहे हैं इस book के लिए for those of you जो इस समय ये video देख रहे हैं। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन कि एक फॉर्मूला बुक का मेजर पर्पस क्या होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इमेजिन अगर आपके 6 months to 12 months का टाइम पड़ा हो एग्जाम में और आप मैथ के इतने सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हो, जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाओगे बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको सब कुछ भूल चुका होगा। सो अ फॉर्मूला बुक दैट यू क्रिएट हेल्प्स यू रिवाइज दोज टॉपिक्स रेगुलरली सो दैट आप एंड ऑफ द ईयर तक कुछ भी ना भूलो। नाउ लेट मी शो कि इस बुक के क्या फीचर्स हैं। सो लेट मी शो यू द इंडेक्स ऑफ दिस बुक फर्स्ट। सो इस पेज पे आप देख सकते हो कि इसमें नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, देन अरिथमेटिक, देन ज्योमेट्री, देन एलजेब्रा, एंड जो फाइनल क्वांट का चैप्टर है दैट इज मॉडर्न मैथमेटिक्स। सो जो लोग कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दे वुड नो कि दिस इज एग्जैक्टली द सिलेबस ऑफ एमबीए एग्जाम्स। आप अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी मोस्ट लाइकली आपके चैप्टर्स इन्हीं मेजर कैटेगरीज में आ जाएंगे। देन द सिक्स्थ चैप्टर इज ट्रिक्स फॉर मेंटल कैलकुलेशन एंड द सेवंथ वन इज मेमोराइजेशन एड्स। सो मैं आपको शो करूंगी ये चैप्टर्स कैसे दिखाई देते हैं। लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट वन व्हिच इज नंबर सिस्टम। तो जैसे ही मैं ये चैप्टर को ओपन करती हूँ सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं, जैसे नंबर्स की प्रॉपर्टीज गिवन है, कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। देन आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको कुछ ऑपरेशंस, कुछ फॉर्मूले गिवन है। देन आप नीचे देखोगे आपको एग्जांपल्स भी गिवन है। कई केसेस में आपको जो एग्जांपल्स है वो पास्ट ईयर से भी अवेलेबल है। जैसे अगर आप पेज नंबर 5 पे देखते हो तो ये कैट का 2017, 18, 19, इस तरह और भी एग्जाम्स के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जो इस प्रॉपर्टी या इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं वो साथ साथ में मेंशन्ड है। अगर आप पेज नंबर 5 के ऊपर टॉप एग्जांपल देखते हो तो वहां पर आपको छोटा सा एक बॉक्स भी दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है स्मार्ट अप्रोच। सो सेम एग्जांपल या क्वेश्चन को आप नॉर्मल वे से कैसे सॉल्व करते हो और अगर आपको एक एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना हो तब आप कौन से अप्रोच यूज करते हो। देन मैं पेज नंबर 11 पे आपको एक बॉक्स दिखा रही हूं जिसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जब मैंने अपनी फॉर्मूला बुक बनाई थी उसमें मैं काफी बार इंपॉर्टेंट करके कुछ ना कुछ नोट करती थी जो कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर याद रखने होते हैं व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। नेक्स्ट में आती हूँ अरिथमेटिक पे। सो अगेन आपको टेबल्स मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, स्मार्ट अप्रोचेस मिल जाएंगी। अब मैं आपको ज्योमेट्री शो कर देती हूँ। ये पर्टिकुलरली मेरा बहुत ही वीक एरिया रहा है जब मैंने एमबीए एग्जाम की तैयारी की थी एंड इसलिए इसके ऊपर काफी फोकस किया हमने इस बुक में। जैसे सारे एंगल्स एक्सप्लेन्ड हैं, देन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड हैं, उसके बाद आपको सर्कल्स मिल जाएंगे, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इसमें वो सारी चीजें बहुत सिंपली क्रिस्प मैनर में एक्सप्लेन्ड है। सो अलजेब्रा बीइंग अ वीक कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेट मी शो यू कि इसमें हमने कैसे उसको प्रेजेंट किया है। फर्स्ट पेज पे ही जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूछे जाते हैं उनको बिल्कुल एक दो पेजेस में ही हमने कवर कर दिया है। एंड देन उसके बाद काफी सारे ग्राफ्स मेंशन हैं, आपको बायनोमियल थ्योरम मिल जाएगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कैट एग्जाम में नहीं पूछे जाते बट बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट मोर और लेस आपको जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो सब इसमें कवर्ड मिल जाएंगे। फाइनली हमारे पास है मॉडर्न मैथमेटिक्स जिसमें आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी इन सब चीजों को कवर करोगे। उसके बाद आपको सेट थ्योरी भी मिल जाएगी, ये आपको डीएलआर में भी हेल्प करेगी बिकॉज वेन डायग्राम्स और सेट थ्योरी वहां पे भी आती है। उसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 पे विच इज ट्रिक्स फॉर मेंटल कैलकुलेशन। कई ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपने शायद वैदिक मैथ्स का भी नाम सुना होगा। तो जिनके पास एक साल से ज्यादा का टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। जिनके पास कम टाइम है, मान लो यू हैव लेस देन 6 months, उनको इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करना है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चल मैं आपको एक वॉक थ्रू दे देती हूँ कि कैसा लगता है ये सेक्शन अगर आप मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स को यूज करते हो। एंड देन उसके बाद हमारा फाइनल चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 7 विच इज मेमोराइजेशन एड्स। जब आप
टेबल, स्क्वेयर्स, क्यूब्स या फिर के यूनिट्स ऑफ एरियाज, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें याद कर लेते हो तो आपको बहुत कम कन्फ्यूजन होती है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। और मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि मैं सिली मिस्टेक्स करती थी कैलकुलेट करते समय। तो उस केस में ये सारे मेमोराइजेशन एड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। सो फॉर्मूला बुक सबसे पहले तो बहुत ही छोटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस एज वेल एज साइज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी टू रिवाइज तो देन उससे अच्छा तो आप एक पूरी बुक ही पढ़ लो। इसीलिए हमने जब ये बुक डिज़ाइन की तो ये बहुत ही A5 साइज की बुक है। एंड सिमिलरली अगर आप इसके नंबर ऑफ पेजेस देखते हो, दे आर 150, बहुत ही छोटी सी बुक है। सो इससे क्या होता है कि एक तो जब आप पूरा वास्ट सिलेबस देखते हो किसी भी एग्जाम का जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसको आप 150 पेजेस में रिवाइज कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप इसे ट्रैवल करते समय अपने बैग में कैरी कर सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ इसको लेके जा सकते हो। सो दिस इज वेरी हैंडी, वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में हमने इसको बनाया है, कीपिंग इन माइंड दैट यू माइट बी कैरिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सो रिविजन हमें करनी होती है जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आपको इस पर्टिकुलर बुक को यूज करना तब बेनिफिशियल होएगा अगर आप पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कर लेते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। मैं इसे हमेशा वीकेंड्स पे रिवाइज करती थी। सो आप क्या कर सकते हो, पूरा चैप्टर जब भी कंप्लीट होता है उस वीकेंड को उस चैप्टर को रिवाइज करो। हर वीकेंड पे आपको कितना कंटेंट रिवाइज करना है वो बढ़ता जाएगा। मान लो आपने पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया, वो वीकेंड पे रिवाइज होने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। देन आपने सेकंड वीक में सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट किया तो उस वीकेंड में आप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों को रिवाइज करोगे। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐड कर दूंगी। वहां इस टाइम काफी अच्छा ऑफर रन हो रहा है एंड वी विल मेक श्योर कि थ्रू आउट द ईयर हम खासतौर से जैसे जैसे कैट एग्जाम के पास आएंगे वैसे वैसे इस पे अलग अलग तरह के ऑफर्स और गिव अवेज रन करते रहेंगे। एक गिव अवे है जो इस समय रन हो रहा है जिसमें हम 50 ऐसी बुक्स को डिस्पैच करेंगे। तो मैं आपको इसकी 3 कंडीशंस बता देती हूँ। सबसे पहला आपको वीडियो को लाइक करना है, सेकंड आपको कमेंट करना है फॉर्मूला बुक, एंड थर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक फॉर्म अटैच किया है। उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। हम लोग इस लकी ड्रॉ में रैंडमली सिलेक्ट करेंगे 50 पीपल। दिस इज ओनली टू एनकरेज यू टू ट्राई द बुक वंस एंड ऑल्सो एज अ जेस्चर फॉर द ऑडियंस टू सपोर्ट, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट कि दिस बुक विल बिकम द नंबर 1 बेस्ट सेलर इन द कैट कैटेगरी विद इन 48 आवर्स ऑफ द लॉन्च। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड इफ यू हैव परचेज द बुक एंड इफ यू लाइक इट, डू लीव अ फीडबैक और अ रिव्यू, बिकॉज आई वुड रियली वॉन्ट कि आगे चलते हुए हम इसमें और चीजें ऐड करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला बुक फॉर द कैट एग्जाम एज वेल एज फॉर द अदर एग्जाम्स। आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉर गिविंग मी द होप कि ऐसा एक रिसोर्स अगर मार्केट में आएगा तो सबको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।